तो दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ पंजाब का जो अमृतसर है उसमें एक टाउन है विजयनगर। जी हाँ, जो सेलिब्रेशन मॉल है उसी के ठीक ही पास एक टाउन लगता है, तो हम उसकी गलियाँ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो अक्सर घर होती हैं वो एटलीस्ट बंगले टाइप की होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, छत है, टेरिस है। मैं इसे दिखाऊँगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखिए, इसी तरह की यहाँ की गलियाँ होती हैं और मैं इन गलियों में घुसा हूँ। और तो बहुत सारे यहाँ पे कम से कम यहाँ पे अगर होगा तो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी ये पूरे उस आसपास के और भी जगह पर। तो ये विजयनगर है, तो ये विजयनगर की गलियाँ हैं। गली नंबर ये 10 है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सबसे लास्ट गली है। और ये देखिए, इसी तरह के यहाँ पे सड़कें हैं और इसी तरह पे यहाँ पर गटर नहीं हुआ करते, जैसे आप महाराष्ट्र में, मुंबई में अलग अलग जगह पर पानी निकलने का गटर आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। जैसे ही पानी, बारिश ज़्यादा होती है तो ये सब सड़कें भर जाती हैं और यहाँ पर ऐसे चलती हैं ये डीजल वाले ऑटो। और देखिए, ये भी आपको दिख रहा होगा ना, इस तरह की ये जो चने और ये जो अलग अलग ग्रेन्स होते हैं उनको फ्राई करके ये भूज कर बेचते हैं। तो यहाँ की गलियाँ हैं और लोग यार बड़े ख़तरनाक गाड़ी चलाते हैं, आपको बड़ा पीछे ध्यान रख के भी चलना पड़ता है यहाँ पर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और देखिए, बहुत छोटी गलियाँ हैं, तो इन गलियों में से लोग आते जाते रहते हैं और अलग अलग जो घरें हैं यहाँ पर ऐसी हैं। तो माता और बहनें रोड पर चल रही हैं, तो इन्हें थोड़ा तेज आगे बढ़ते हैं फटाफट। और देखिए, ऐसी गलियाँ होती हैं एकदम मस्त ऐसे पंजाब की। तो गलियों को भी मैं रूबरू करा रहा हूँ, ये अमृतसर की गलियाँ हैं। और जब भी अगर ठंडी हो, गर्मी हो, कभी भी हो, अगर ऐसे ही आप यहाँ पर घूमो तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। और ये दोपहर का वक्त है और थोड़ा सा लोग चुपचाप हैं, अपने घरों में ही हैं, सो रहे हैं, ठीक है। ठंडी के वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर रखते हैं क्योंकि ठंडी होती है। गर्मी में तो वैसे गली खुला रखना पड़ता है क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा होता है। तो ये गली में आपको दिखाने का ये मकसद कि देखिए, यहाँ पर ऐसी गलियाँ होती हैं, एकदम बड़ी शांत होती है और शाम के टाइम पे बड़े मतलब थोड़ा बिजी हो जाती है, थोड़ी चहक सुनाई देती रहती है। और एक बहुत बेकार एक यहाँ पर है, अगर आप क्योंकि यहाँ पे जो रेड़ी वाले हैं जो अक्सर जो सामान बेचा करते हैं बड़ा चिल्लाते हैं, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आप देखें। और यहाँ पर ज़्यादा पार्किंग की भी जगह नहीं है, लोग अपने घर में ही अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जो 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर भी जिनके स्पेस है वो करते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रहना चाहते हैं ना इस एरिया में, विजयनगर में, यहाँ पर आपको घर मिल जाएगा। घर लेने के लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका, आप OLX पर आप डालें, तो OLX पर डालें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे घर मिल जाएंगे यहाँ पर, एक किराए देकर रह सकते हैं। यहाँ पर जो किराया है वो है 4,500-5,500, बस एक किराया दो और रहना शुरू करो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बेड वेड भी मिल जाएगा, फ्रिज भी मिल जाता है, जिनके पास होता है वो दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसे गली आपको दिखाया कि थोड़ा सा शायद कोई अगर विजयनगर में रहा हो या यहाँ पर खेला कूदा हो, कोई बहुत सारे लोग यहाँ के पंजाब के लोग कैनेडा और अलग अलग कंट्री अब्रॉड चले गए हैं, तो उन्हें शायद ये गलियाँ उनको देखे उनके बचपने याद आ जाएँ। देखिए, हमारे बच्चे भी प्यारे प्यारे स्कूल से भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलियाँ मैंने इसलिए दिखाया कि यहाँ की, देखिए यहाँ के ऐसे नगर की जो विजयनगर की है, जो वेरेका के साइड जाती है ना, ये वाले, ये बटाला वाली रोड पर आती है और ये चलती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक ये रिक्शा। लेकिन यहाँ पर भाई, आप जब ऑटो या कोई चीज़ करेंगे तो बड़ा महंगा है, ठीक है, 100-150 रुपये के नीचे तो बात नहीं होती है। बस अच्छा है, जो येलो बस चलती है अमृतसर की, BRTS की जो बस चलती है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उस बस में 5 रुपये देकर चलें, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसी यहाँ पर सड़कें हैं, टर्निंग भी है, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा यार, देख के भी अच्छा लगा, थोड़ा शांति है। और मेन बात है कि मैं बहुत दूर से यहाँ तक गया, ठीक है। और मोस्टली मैंने देखा है ना पंजाब में कि लोग साइकिलें भी बहुत चलाते हैं, हाँ, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हेल्थी फिट रहते हैं, हाँ, जिनके पास नहीं भी है वो साइकिल बहुत चलाते हैं, साइकिल के लवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये गलियों को इसलिए मैंने दिखाई कि मैं अक्सर आपको वॉक करके वीडियो बनाकर दिखाता हूँ कि एटलीस्ट सारी चीज़ें मैं दिखाऊँ, तेज नहीं, वो बहुत स्पीड से नहीं, मैं बहुत चलता हूँ आपके लिए और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता ही यार, आप कर देना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, हाँ, ऐसी गलियाँ होती हैं यहाँ पर, आसपास बिल्डिंग होती हैं, ये बहुत सारे लोग ऊपर मुझे देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि दोपहर का वक्त रहता है ना, तो अक्सर मोस्टली लोग छत पे भी रहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं बटाला रोड पर अभी बस ये पहुँच गया, तो ये बटाला रोड पर अभी मैं आ जाऊँगा तो आपको शायद बहुत अच्छा से दिखेगा। तो ये बटाला रोड का जो ब्रिज है जहाँ पर बसें की चलती हैं,
बेसिकली ये बसों के लिए बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे किराने की दुकान भी है पास में ही है, और यहाँ पे दूध दही वाले भी हैं, ठीक है। व्यवहार इन लोगों का बहुत ही अच्छा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ही पीछे भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अचानक कोई भी गाड़ी कभी भी घुस जाती है, अक्सर लोग ठोक भी देते हैं एक दूसरे को। चौड़ा ज़्यादा नहीं है मसली, आप समझ लें दो गाड़ियाँ, अगर आप टाटा सोमो या कोई दो गाड़ियाँ आएंगे तो आराम से आर पार निकल जाएंगे, ठीक है। ये दुकान वाले भाई बहुत ही अच्छे हैं, लेफ्ट में ना ये आएंगे, चश्मा पहने रहेंगे, मस्त बढ़िया पूरी फैमिली ही रहती है दुकान पे। और ये रही है कि दूध यहाँ पर 45 रुपये लीटर है, ठीक है। और जो गाय का वो 45 रुपये 40 रुपये है, और जो भैंस का है वो 50-55 रुपये रहता है, ठीक है। दही बड़ा सस्ता है यहाँ पर, सारी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, कोई GST नहीं लगती यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए बटाला रोड पर आ गया, जहाँ पर SSC बैंक है, बाजू में HDFC बैंक है, और राइट साइड में यस बैंक है। तो ये देखिए ये जो ब्रिज है ये जाती है वेरिका के साइड, और ये जाती है बटाला की तरफ, जो गुरदासपुर है ये वाली रोड है, तो इसी से ही बस जाती है। अभी ये जो गाड़ी जा रही है ये सब जा रही है अमृतसर की साइड, ये जा रही है टैंक रोड के साइड, जहाँ पर ये टैंक रोड से मिलती हुई जाती है, ठीक है। और यहीं से ही अलग अलग वे में ये रोड निकल जाती है, ये जो रोड है ये सीधा जाती है बटाला की तरफ, गुरदासपुर की तरफ, पठानकोट की तरफ। इसी जो बसें निकलती हैं, जो अपना बस स्टैंड से जो बसें निकलती हैं, इसी जाती है। अभी जो बाइक जा रही है वो जा रही है अमृतसर की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, ये रेलवे स्टेशन रोड भी कह सकते हैं, इसे सिटी रोड भी कह सकते हैं या टैंक रोड भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसी यहाँ पर दुकानें और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और दोपहर का वक्त है इसके लिए थोड़ा सा शांति आपको दिख रहा है, नहीं तो भाई बड़ी आवाज़ होती है यहाँ पर, आप परेशान हो जाएंगे सुन के। मोस्ट ऑफ नॉइस जब आप मेन जगह जाएंगे, जैसे बाजार जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा हमने दिखा दिया आपको, और ये यहीं पर ये बस स्टॉप है अभिजय नगर का, और इसके बाद सेलिब्रेशन मॉल है, फिर उसके बाद अलग अलग ऐसे स्टॉप है, तो यस बैंक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा यहाँ तक का, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो ये लाल जो दिख रहा है उस पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, बस एक मोटिवेशन मिलेगा और आपका सपोर्ट मिलेगा। शुक्रिया।